साल हमारी नजर थी बजट 2021-22 पर। बेहद चुनौतीपूर्ण समय, बेहद शानदार बजट। जी हां, बोल्ड, ट्रांसफॉर्मेटिव, पाथ ब्रेकिंग बजट। और इस वक्त इस बजट के बारे में और बात करने के लिए मेरे साथ यहां इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जुड़ रही हैं। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। इस बोल्ड बजट को प्रेजेंट करने के लिए मैं, पहला सवाल यही है मैम, जिस तरह से इस बजट को देखा गया, सबसे ज्यादा चुनौती के साथ हम गुजर रहे थे, बिगेस्ट चैलेंजेस, येट हमने बेस्ट बजट अभी तक का दिया है, सभी लोगों का यही कहना है, क्या ये इंडिया की एक स्ट्रेंथ है कि हम एडवर्सिटी में ही अच्छा परफॉर्म करते हैं और बहुत बेहद अच्छा परफॉर्म करके आगे फ्रंट फुट से खेलते हैं? मैं इसीलिए वो उदाहरण दी ऑस्ट्रेलिया के, हमारे क्रिकेट परफॉर्मेंस के ऊपर। हमारे युवा में, बिजनेस लीडर्स में, एंटरप्रेन्योर्स में, ट्रेडर्स में, हर एक उनके अपने अपने मैक्सिमम बेस्ट ट्राई करते हैं करने के लिए। पर्टिकुलरली लॉकडाउन के बाद जब धीरे धीरे अनलॉकिंग शुरू हो रहा था, हर एक उनके अपने अपने दिक्कतें है, दिक्कत मगर भूल करके जा करके रिवाइव करने की कोशिश की। बिल्कुल। इसीलिए सरकार की तरफ से टैक्सेशन इंक्रीज करना हमारे इरादा नहीं था, कभी डिस्कशन में नहीं था। हमारा इंटेंट ये था कि इस समय जो फैसिलिटेशन हमने करना है, सरकार की ओर से खर्च जो उठाना है बड़े पैमाने पर, उस खर्च के द्वारा डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी छोटे बिजनेस को भी, बड़ा बिजनेस को भी, और उसके द्वारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों के हाथ में पैसा आएगा और उससे डिमांड भी सुधरेगी। इसीलिए इस रास्ते को हमने अपनाया, क्योंकि जो जनता उनके अपने बिजनेस सुधारने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनको गिव देम दैट लिटिल हेल्पिंग हैंड बाय पब्लिक एक्सपेंडिचर। कॉर्पोरेट टैक्स रिडक्शन के वजह से सितंबर 19 से बिजनेसेस बहुत सारे उनके पुराने खर्च को ऑफलोड कर दिए जी। अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो भी तड़प रहे हैं, डिमांड जहां है वहां जा रहे हैं, उनके एक्सपोर्ट के ओर जा रही है इन्वेस्टमेंट सब। उस समय सरकार की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना है, जिससे सबको पावर मिले, इलेक्ट्रिसिटी मिले, पोर्ट सुधारे और रोड्स भी अच्छा बनाना है। हमारे इरादा ये है कि जिस सेक्टर में खर्च करने में मल्टीप्लायर इफेक्ट ज्यादा होगा वहां खर्च करना। और बिल्कुल वो दिखा आपके बजट में, दिखा जिस तरह से आपने एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज दिया है लोगों को। एक सवाल है मैम, ये कई लोग कह रहे हैं कि ये इंडस्ट्री के लिए तो बहुत बढ़िया बजट दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं एक आम आदमी के लिए अगर आप सिंप्लीफाई कर पाए और बता पाए एक आम आदमी को जो हमें अभी देख रहे हैं, उनके लिए ये बजट के क्या मायने हैं, उनको आपने कैसे यू नो रिवॉर्ड दिया? इतने बड़े अमाउंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जब खर्च उठा रहे, मान लीजिए एक बड़ा सा गोदाम बनाना है, बड़ा सा पावर जनरेटिंग प्रोजेक्ट बनाना है, बड़ा सा ब्रिज बनाना है या तो पोर्ट बनाना है, इसमें काम काज शुरू होने के तुरंत बाद से एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज करता है, एम्प्लॉय जॉब क्रिएशन ज्यादा होता है, तुरंत आपको वेजेस मिलता है आपके घर संभालने के लिए जी। इससे अगले 2-3 साल में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा, मगर तब तक सबका एम्प्लॉयमेंट गारंटी है। सो मिडिल क्लास के लिए तुरंत कुछ नहीं मिला, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। दूसरा उदाहरण जी, स्किलिंग में ग्रेजुएट्स और इंजीनियर्स ऐसे लोगों को, मान लीजिए जापान में जॉब्स बहुत सारे अवेलेबल है, ठीक है, और आप में वो क्षमता है जाने के लिए, मगर उनके पास जो स्किल सेट्स वो एक्सपेक्ट करते हैं आप में, अगर आपके पास वो नहीं है, जॉब है उधर अवेलेबल मगर आप जा नहीं सक रहे, इसके लिए जापान के साथ अग्रीमेंट करके हमारे युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए, जिन जिन स्किल सेट्स में वो एक्सपेक्ट करते हैं उन सब के लिए हमने ट्रेनिंग शुरू कर दिया, जिससे तुरंत जॉब्स मिलेगा।
ये हम जापान के साथ किए हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ किए हैं और बहुत सारे कंट्रीज के साथ भी ये होने वाले, जहां आप सीधा जाकर के उनके एक्सपेक्टेशन के तहत जॉब में बैठ सकते हैं। बिल्कुल। वो दूसरा, तीसरा फ्लैगिंग ऑफ इंडियन शिप्स, वो क्या चीज है? मेजॉरिटी इंडियंस और फिलिपिनोस, ये दो ही देश है, फिलीपींस के और इंडिया, ये दो ही देश है पूरे दुनिया में जितने भी शिप्स हैं, कार्गो वेसल्स हैं, लार्ज कंटेनर शिप्स हैं, इन सब में मरीनर्स और स्टाफ के काम करने वाले फिलिपाइन से है या तो भारत में, मगर भारत में इनका ट्रेनिंग नहीं होता, क्योंकि ग्लोबल कानून के तहत जिन कंट्री का फ्लैग वो कार्गो रखते हैं वो उसी कंट्री में ट्रेनिंग ले पाएंगे। भारत में क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, हमारे अपने इन्वेस्टर्स भी जो शिप ओन करते हैं, माल इधर से उधर लेके चलते हैं, वो भी इंडियन फ्लैग नहीं रखते। रजिस्ट्रेशन जैसे गाड़ी कार, आप आंध्रा में रजिस्टर करो या मुंबई में रजिस्टर करो, हर एक रीजन का उनके अपने रजिस्ट्रेशन है जी। लाइक दैट फॉर शिप्स, राइट, इवन इफ द ओनर इज इंडियन, मेजॉरिटी ऑफ देम आर गेटिंग रजिस्टर्ड इन पनामा, कैरी पनामा फ्लैग और सम अदर कंट्री लाइक दैट, क्योंकि बिजनेस करना उधर आसान है शिपिंग का। अगर फ्लैग कैरिंग शिप भारत में नहीं है, आपका मरीनर्स का ट्रेन भी कर नहीं सक्रिय। अगर ट्रेन होते हैं फिर इंडियन शिप्स में भी काम कर सकते हैं, विदेश का शिप में भी काम कर सकते हैं। अभी युवा उनके अपने पैसा लेकर के विदेश में जाकर के मरीनर होने के लिए ट्रेनिंग बाहर ले रहे हैं। अगर हम इंडिया में फ्लैग करने का, शिप्स फ्लैगिंग करने का सुविधा करते हैं, जो इस बजट में हमने किया जी, वो ट्रेनिंग फॉर मरीनर्स इंडिया में ही हो सकते हैं। वो छोटा मोटा नंबर नहीं है, 5-6 लाख तक लोग जाते हैं बाहर 2-3 साल में, ओके, एंड गेट जॉब्स आउटसाइड। इज दैट नॉट फॉर द इंडियंस? सिमिलरली फॉर अलांग मोर शिप ब्रेकिंग एक्टिविटीज वी हैव ओपन्ड अप सो दैट मोर शिप्स एंड लाइनर्स कम एंड दैट्स अ लेबर इंटेंस वर्क। तो वहां जॉब की जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ाने की तरफ, ये टेक्सटाइल पार्क के अवर मामले जी, टेक्सटाइल सेक्टर का लेबर इंटेंसिव एक्टिविटीज आप समझते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स विद इन 3 इयर्स, उसमें एम्प्लॉयमेंट ही बेसिक, बिल्कुल। मैम तो ये बहुत जबरदस्त एक्शन प्लान दिख रहा है। एक सवाल हमेशा इंडिया के लिए उठता है कि ऐलान है, इम्प्लीमेंटेशन इज द की, एंड आई नो सरकार ने एक स्टिफ टारगेट्स भी रखे हैं विच इज अ गुड थिंग, तो मैं यही जानना चाहूंगी ये वॉकिंग द टॉक जो होगी ये इस पर आप क्या कहेंगी, जो मेन इसमें चैलेंज हमें लगता है इम्प्लीमेंटेशन का होगा। महामारी ऑफकोर्स इस साल एक एक्सेप्शन रहा, बट अदरवाइज इसको टाइम बाउंड मैनर में इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने पर कितना जोर दिया जाएगा? मैं आपसे ये प्रश्न पूछने से पहले आप ना इस सरकार के पिछले 14 से 19 और अभी 19 से 20 का रिकॉर्ड देख जी, डिलीवरी, लास्ट माइल डिलीवरी, इससे ज्यादा बेहतरीन काम करने वाला सरकार आपको नहीं मिलेगा जी, चाहे वो एलईडी बल्ब हो, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो, उज्ज्वला सिलेंडर हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी का मापदंड हमने तो चेंज ही कर दिया, इसीलिए डिलीवरी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, ग्राउंड में शोइंग द रिजल्ट, उसमें बहुत ही जोर देते हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल, एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है क्योंकि आपने करके दिखाया है, तो अब उम्मीद और भी की जा रही है, तो इसलिए आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, इसलिए एब्सोल्युटली एंड दैट इज राइट जी, इसीलिए हम भी मोटिवेटेड हैं कर दिखाने के लिए। बहुत बढ़िया मैम, मोटिवेशन दिख रहा है मैम, बहुत ही फ्रंट फुट से हम खेल रहे हैं। जो ये कंसर्न था हमेशा कि नहीं नहीं इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, उसको आपने कहा अभी रुक जाओ, ग्रोथ ये हमारा फोकस है और हम बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, कोई डर की बात नहीं। ये पहली बार दिखा मैम, कैसे मतलब कहां से ये कॉन्फिडेंस लगा कि इस वक्त ये जरूरत है एंड वी मस्ट प्रेस द बटन? क्योंकि लॉकडाउन से ही बहुत सारे जो कंसल्टेशन में प्रधानमंत्री जी से बात भी किए, उन सबके ही ये लाइन था, नहीं नहीं आप करेंसी प्रिंट करो, खर्च करो, अभी फिस्कल डेफिसिट के ऊपर आपका चिंता नहीं होना चाहिए जी, वो सब बार बार आ रही है। मगर सरकार की जिम्मेदारी ये है कि प्रिंट करके हर एक आदमी का हाथ में पैसा सिर्फ रखना नहीं है, अगर हो सकता है वो भी करेंगे, मगर हम वो रास्ते पर न चलते हुए
मल्टीप्लायर कहां होगा, वहां स्पेंड करने में एक नहीं इंटू 2.5 हो सकता है क्या, तो करो उधर। इस रास्ते में कैलकुलेट करके, हर एक विषय को सोच विचार करके ही क्वालिटी एक्सपेंडिचर करने का निर्णय। क्वालिटी एक्सपेंडिचर, आई थिंक ये बिल्कुल सही बात कही है। आई थिंक 34.8 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर आपने लाइनअप किया है। हेल्थ केयर क्लियरली फोकस था मैम, सबको उम्मीद थी और आपने उम्मीद पर खरे उतरे, इनफैक्ट ज्यादा ही आया। इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दो बिग पिलर्स रहेंगे अगर हम कहेंगे अगले 10 साल में। तीन पिलर्स है ना, एग्रीकल्चरल इंफ्रा जी, जनरल इंफ्रा विच इज रोड्स, पावर, रेल, पोर्ट्स जी, यस, एयरपोर्ट्स एंड सो ऑन, एंड तीसरा इज हेल्थ। हेल्थ, सो जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ एंड एग्री इंफ्रा। एग्री इंफ्रा ड्यूरिंग आत्मनिर्भर भारत हैड ऑलरेडी अनाउंस्ड 1 लाख करोड़, नाउ आई एम ऑल्सो गिविंग फर्दर इम्पेटस फॉर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर, सो इंफ्रास्ट्रक्चर इन ऑल दीज एस्पेक्ट्स। बिल्कुल, तो ये फोकस एरियाज रहेंगे। एक सवाल और भी आता है, वो ये कि बाहर के लोग अब इंडिया को किस नजर से देखें। आई थिंक इसमें हमें एक अपॉर्चुनिटी भी बड़ी तौर पर मिली कोविड में, कि चाइना प्लस वन मॉडल, क्या हम यहां पर इफ नॉट रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट चाइना बट कैन बिकम दैट मैसिव। आपने बात की कि ये स्केल पर हम काम कर रहे हैं, बड़े लेवल पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, मेगा स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूं आपसे कि कैसे इन्वेस्टर्स या इन्वेस्टर इंटरेस्ट आपको इस वक्त दिख रहा है, आप कॉन्स्टेंटली इंगेज करते हैं, क्या उनको कॉन्फिडेंस दिखता है इंडिया में, और आप वाकई वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं या अभी भी वो देख रहे हैं, वेट एंड वॉच में है? नहीं, कॉन्फिडेंस एंड इंडिया के ऊपर अपॉर्चुनिटी देखने वाले माइंडसेट है जी, इसीलिए आप जब पीएलआई अनाउंस किए उसका रिस्पॉन्स देख लीजिए, और उसके बाद अभी चैंपियन सेक्टर्स का अनाउंसमेंट, क्लियरली मार्किंग द सेक्टर्स इन विच वी वांट टू हैव दैट लीड एडवांटेज, उसमें रिस्पॉन्स एक्चुअली बहुत अच्छा आ रहा है। पीएलए स्कीम पर से हैज बीन नाउ द फेवरेट ऑफ मेनी इंडस्ट्रीज विच आर सेइंग प्लीज गिव अस, वी ऑल्सो वांट टू कम टू इंडिया। इंडिया, एंड इवन बेटर इज द क्वेश्चन दैट इन्वेस्टमेंट इवन now FDIs which are coming in are finding their own, like water, their course they find on their own, because Indian market is giving opportunity for all kinds of investors, one who wants to be in core sector, one who wants to come into only service sector, everybody's got opportunity here. Pura aapne open karke rakha hai, whoever, and of course economy open up hui hai, dikh raha hai ma'am. Markets have really given a big thumbs up. किस तरह से response मिला? I don't think कई वर्षों में हमने इस तरीके का response देखा हो एक budget के बाद, तो ये एक confidence दिखा रहा है कि investors वाकई इंडिया पर अब bet करेंगे, एक re-rating of a sort है। आप इसको कैसे देखती हैं? The way you know the confidence is showing, आप क्या रीड करती हैं इसमें? But I think it is reading not just the market, the general business leadership. When I say leadership, not just of the big industries, but even small, they are saying that even during the lockdown, we engaged with them and understood where they wanted the help and extended it there and made sure that it was implemented and not just remaining on paper. Yes. So the confidence comes that this government means that its intent will be carried further. And that confidence is what I suppose the markets are also sensing and reacting accordingly, which is very good. And that is why I always keep saying markets react and also Indian investors, the retail investors also see the market as one of the places in which they can put their money. Bilkul. And when they see good companies transparently showing their strengths and also being accountable for their board members and also to their shareholders, you find there's no dearth of money coming in from the retail investors. And as a result, markets should definitely be buoyant because Indian retailers are seeing a lot of opportunity. Bilkul. Ma'am, asset monetization, disinvestment, ye do cheeze hain jin par main ab nazar dalna chahungi, kyunki disinvestment target is saal ka 1.75 lakh crores rakha gaya, jo ki ab lag raha hai ki realistic hai, with all things that you've mentioned, even in the budget, jis tarah se privatization ki taraf ab hum badh rahe hain, government open up kar rahi hai private players to come in, आप
इस रोड मैप को कैसे देखते हैं आगे आते हुए समय में, स्पेशली व्हेन यू हैव टू गिव द राइट वैल्यू टू दैट एसेट, वो एक बड़ा चैलेंज हो जाता है, तो कैसे आगे इस पे प्रक्रिया होगी? इन अ वे दैट पार्टली टेल्स यू एज टू व्हाई इन स्पाइट ऑफ गिविंग अ 2 लाख व्हाटएवर क्रोर्स एट दैट टाइम इन 19 जुलाई, I couldn't even complete 2.10. Yes, I couldn't even complete the privatization disinvestment. At that time, the economy was slowing. And also, markets COVID. Were tepid. No, before COVID. Okay, before COVID. Yeah. Markets were tepid. None of us could do any fair, talking about disinvestment, although it was announced. So the story here, I would say, is it's one thing to announce, and behave as though we've announced it, we have to do it. It's public money. I have to be conscious that, yes, I have to look at the time when it is appropriate to sell. If markets are improving, yes, better the opportunity. Okay. PSU strategic sale policy, जिसकी बात कही गई है मैम, उस पर अब सरकार का क्या timelines होंगे, क्या जो उनके core, non-core assets हैं, उनको कैसे डिवाइड करके आगे बढ़ा जाएगा? इट्स अ मेजर स्टेप फॉरवर्ड बाय स्टेटिंग इट एज अ पॉलिसी ड्यूरिंग द बजट. वी हैव मेड इट वेरी क्लियर दैट्स द डायरेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड गो इन. सो यू आर गिविंग इन्वेस्टर्स नॉट जस्ट एन इमीडिएट टारगेट बट ऑल्सो अ लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी, सेइंग दीज आर देयर, इट्स अप टू देम टू शो इंटरेस्ट विच एवर दे थिंक दे कैन ग्रेजुअली कीप कमिंग इन एंड वंस दे शो इंटरेस्ट. Unlike the way we had to handle Air India, right? Where you kept funding it, and it is only at some time that you probably will succeed like the way now it is going successfully. Hopefully this year. But when you announce things like this well in time as a matter of policy, buyers also look at the prospects over the years. That's true. Okay. All right, ma'am. बहुत बहुत धन्यवाद and congratulations once again. Thank you very much. Thank you.